नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इंटरटेन फॉर यू के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की तीन बड़ी बजट की फिल्मों के बारे में जो कि बंद हो गई है, यानी अब वो फिल्में आपको देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, इस टॉपिक पर हमारी काफ़ी सारी वीडियो आ चुकी है, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इन तीन फिल्मों के बारे में। तो दोस्तों, इस लिस्ट की जो सबसे पहली फिल्म है, उस फिल्म का नाम है तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे। इस फिल्म में नजर आने वाले थे जुबली स्टार निरहुआ और आम्रपाली दुबे। तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे ये काफ़ी बड़ी बजट की फिल्म होने वाली थी, जिसे प्रोड्यूस करने वाले थे दिलीप जायसवाल जी। इस फिल्म का मुहूर्त किया गया था 2015 में मुंबई में, और फिल्म को काफ़ी बड़े लेवल पर संतोष मिश्रा बनाने वाले थे, लेकिन इस फिल्म के काम को रोक दिया गया है और अब ये फिल्म आपको देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, इस लिस्ट की जो दूसरी फिल्म है वो भी जुबली स्टार निरहुआ की है, और उस फिल्म का नाम है गंगा किनारे मोरा गांव 2। गंगा किनारे मोरा गांव पार्ट 2। इस फिल्म के स्टार कास्ट में नजर आने वाले थे जुबली स्टार निरहुआ और आम्रपाली दुबे। इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले थे विजय खरे जी, और इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे संतोष मिश्रा। दोस्तों, इस फिल्म का पहला पार्ट रिलीज हुआ था 1982 में, जिसमें नजर आए थे कुरनाल सिंह, और उस फिल्म ने अपने समय में इतिहास रच दिया था। वो फिल्म वाराणसी के एक थिएटर में 1 साल 4 महीने तक लगातार चलती रही थी, और गंगा किनारे मोरा गांव इस फिल्म के नाम अब तक भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा दिन तक थिएटर में चलने का रिकॉर्ड दर्ज है। और उसी फिल्म की अपार सफलता के बाद 37 साल बाद निरहुआ जी के साथ गंगा किनारे मोरा गांव पार्ट 2 का अनाउंसमेंट किया गया था 2017 में, जिसका काम भी शुरू हो गया था, पर अफसोस वो फिल्म भी किसी कारण से नहीं बन सकी। तो दोस्तों, इस लिस्ट की जो तीसरी फिल्म है, उस फिल्म का नाम है सात सहेलियां पार्ट 2। सात सहेलियां पार्ट 2, इस फिल्म में नजर आने वाले थे प्रदीप पांडे, चिंतू, आम्रपाली दुबे, अक्षरा सिंह, निधि झा, रितु सिंह जैसी तमाम एक्ट्रेस। इस फिल्म में कुल 7 हीरोइन नजर आने वाली थी। इस फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट करने वाले थे राजकुमार आर पांडे, और इस फिल्म की स्टोरी को लिखने वाले थे लालजी यादव। 2018 की फिल्म दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से पार्ट 2 की शूटिंग कंप्लीट होने के बाद इसी फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी, पर यह फिल्म भी किसी कारण से बंद हो गई, और ये फिल्म भी अब आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी भोजपुरी इंडस्ट्री की तीन बड़ी बजट की बेहतरीन फिल्में जिसके काम को रोक दिया गया। तो दोस्तों, आपका इन तीनों ही फिल्मों के बारे में क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।